अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं ताहिर महमूद, आज हम आए हुए हैं चश्मा जब्बी शरीफ मेले पे। तो अब हम यहाँ से पानी भरेंगे और साथ साथ आपको विज़िट भी करवाएंगे। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमने मेला का विज़िट करना है, तो आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ईंटों वाला रास्ता है जो मेला की तरफ जा रहा है। काफ़ी अर्सा पहले इस कच्चे रास्ते को ईंटें लगाकर पक्का किया गया था, लेकिन अभी इसकी हालत खस्ता है, जो कि एक मामूली सी ग्रांट की मुंतज़र है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ की एक बहुत ही खूबसूरत चोटी आपको नज़र आएगी, साथ ही आपको कीकर के काफ़ी सारे छोटे छोटे दरख्त नज़र आएंगे जो यहाँ पे वाफर मकदार में मौजूद हैं। सावन के मौसम में इनकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है और रास्तों को क्लियर करने के लिए इनको काटना पड़ता है। पहाड़ की यह चोटी बहुत ही शानदार मंज़र पेश करती है। अभी आप कभी यहाँ पे तशरीफ़ लाएं तो इस चोटी को बैकग्राउंड सीनरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक पानी वाली टैंकी मौजूद है जिसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इधर आप देखेंगे पहाड़ियों के बीच में सीढ़ियों वाला एक रास्ता मौजूद है जहां से नीचे उतरकर पानी तक रसाई हासिल की जाती है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो दूसरी जानेब एक और रास्ता मौजूद है जो कि खस्ता हाली की वजह से बंद कर दिया गया है। चश्मा के चारों जानेब दीवारें बनाई गई हैं जिनको कच्ची ईंटों और पत्थरों से तैयार किया गया है। यहाँ पर मौजूद दूसरे दरवाज़े के बारे में ये बात मशहूर है कि पुराने वक्तों में गैर मुस्लिम इस दरवाज़े को इस्तेमाल करके पानी भरा करते थे, जबकि दूसरा दरवाज़ा मुसलमानों के लिए मखसूस था। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये एक बरसाती नाला है जहाँ बारिशी पानी जो पहाड़ों से आता है यहाँ से गुजर कर आगे जाता है। इस जगह पर नहायत ही पुरसकून माहौल है। बंदा इस जगह आकर अपनी तमाम परेशानियां भूल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पत्थर को बड़ी महारत के साथ तराश कर पानी वाला टब बनाया गया है। इनको बनाने का मकसद जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और पहले वक्तों में हमारी माएँ बहनें यहाँ पर कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करती थीं। मकामी अफराद जब यहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं तो अगर ये खाली पड़े हों तो इनमें पानी डाल देते हैं ताकि परिंदे और बाकी जानवर यहाँ से पानी पी सकें। जिसने भी ये बनाए थे अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता फरमाए।
یہاں پر مقامی افراد نے شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ان کے آس پاس اینٹیں لگا دی ہیں۔ مقامی افراد یہاں پر جانوروں اور بائک وغیرہ پہ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 1150 cc کھوتا کرولا موجود ہے جو بالکل اپلائیڈ فار ہے۔ ابھی اس کا مالک پانی بھر رہا ہے، وہ آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرولا ہے یا مرسیڈیز ہے۔ ہم نیچے آ گئے ہیں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ یہ لگ بھگ 25 کے قریب سیڑھیاں ہیں۔ یہ دیکھیں، میرے اللہ پاک کی قدرت ہے اور بزرگوں کی دعا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ پانی رواں دواں ہے اور اپنا لیول برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں کا پانی بہت ہی میٹھا ہے جو پینے کے علاوہ روزمرہ کے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمہ کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور ہم اللہ پاک کی اس شاندار نعمت سے مستفیض ہوتے رہیں۔ تو دوستو، میری یہ پہلی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔